सरिता जी के परिवार में पति तथा दो बेटे मनोज और असीम रहते थे। माता पिता के दिए अच्छे संस्कार तथा परवरिश के कारण दोनों भाइयों में आपस में बेहद प्रेम था। मनोज को शुरू से ही पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए स्कूल की पढ़ाई के बाद पिता ने अपनी नरी की दुकान पर उसके साथ लगवा लिया। जल्दी ही वह सारा काम सीख गया, जबकि छोटा बेटा असीम पढ़ाई में बहुत ही मेधावी था, हमेशा क्लास में अव्वल आता था। दोनों भाइयों में उम्र में 5 वर्ष का फर्क था। आसिम अच्छे नंबर लाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। देश के नामी कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया। अपने घर से दूर दूसरे देश में वह पढ़ने गया। इस बीच मनोज के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। दूर के रिश्तेदार सरिता जी की बहन की लड़की उसके पसंद आ गई और आवश्यक औपचारिकताओं के पश्चात मनोज की शादी तय हो गई। परिवार में पहली शादी थी, इसलिए सभी रिश्तेदार संबंधी शादी में पहुंचे और बहुत ही धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। मनोज की पत्नी अतुला बहुत समझदार थी, उसने स्नातक की पढ़ाई की थी। बहुत ही जल्दी उसकी सास के साथ साथ मिलकर वह घर का कार्य भी सीख गई, जिम्मेदारी से अपने फर्ज को निभाने लगी। इंजीनियरिंग के बाद असीम ने MBA किया और उसे एक विदेशी कंपनी में बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई, लेकिन वह भी दूसरे शहर में थी। माता पिता ने भी इजाज़त दे दी क्योंकि मनोज और अतुला तो उसके साथ ही थे। इसी बीच उसके घर पर एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। सरिता जी तो अपने पोते और पोती के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रही थी। अतुला को भी उनका बहुत अच्छा सहयोग मिल जाता। अब असीम के लिए भी रिश्ते आने लगे। उसकी कंपनी में एक काम करने वाली स्वाति उसे पसंद आ गई तथा परिवार में भी सभी ने उसे पसंद कर लिया। कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो गई। दूसरे शहर में रहने के बावजूद भी असीम हर महीने पत्नी के साथ माता पिता और भाई भाभी बच्चों से मिलने जरूर जाता, 2-4 दिन रहता और घर में किसी भी तरह के सहयोग जरूर करता, चाहे वह आर्थिक मदद हो या घर का कोई भी काम हो, घर में मरम्मत का भी काम हो। देवरानी जेठानी के संबंध काफ़ी अच्छे थे। एक दिन रात के समय सारा परिवार इकट्ठा बैठ के गपशप हंसी मजाक कर रहा था। काफ़ी देर गपशप करते हुए अगले दिन रविवार की छुट्टी थी, इसलिए सभी आराम से उठे। सवेरे सविता जी पति को उठाने गई, उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, वे बहुत घबरा गई। बेटों को उठाया, डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि वह सोते सोते ही दिल का जबरदस्त दौरा पड़ा है। पल भर में ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सविता जी इस दुख से उभर नहीं पा रही थी। अब जीवन पति के बिना कैसे कटेगा। धीरे धीरे जीवन सहज होता गया। बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहने की आदत होने लगी। असीम के घर में बेटी का जन्म हुआ। अब स्वाति अपनी नौकरी तथा बेटी की परवरिश पे काफ़ी व्यस्त हो गई थी, लेकिन फिर भी वक्त निकालकर सास तथा जेठानी बच्चों से मिलने अवश्य जाती। मनोज के बच्चे अब 10 और 12 साल के हो गए थे। एक दिन अतुला ने अपने दिल की ख्वाहिश जारी करते हुए अपने पति से कहा, घर की जिम्मेदारियों के चलते वे लोग कहीं घूमने फिरने नहीं जाते, क्यों न एक सप्ताह का प्रोग्राम बना के परिवर्तन के लिए थोड़ा घूम फिर लिया जाए। मनोज को भी सलाह पसंद आ गई। सविता जी से जब इस बारे में जिक्र किया तो वह भी मान गई। वह भी जानती थी कि काफ़ी सालों से बेटा बहू घूमने फिरने नहीं गए हैं, बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं और उन दोनों को संभाल भी लेगी। एक दिन मनोज तथा अतुला यात्रा के लिए निकले तो सविता तथा बच्चों ने खुशी खुशी उन्हें विदा करा। सरिता ने यह भी कह दिया कि तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करना, बच्चों को मैं बहुत अच्छे से संभाल लूँगी। सप्ताह भर बीत गया और आज मनोज और अतुला को वापस आना था। घर पर सरिता जी भी अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी, कब वे दोनों घर पहुँचेंगे, लेकिन विधि की विधान को कोई नहीं समझ सकता। वापसी में उन्हें बस पर टकराई और भयंकर दुर्घटना हो गई, बस उलट गई। बस में सवार कम से कम 20 व्यक्ति मौत के घाट उतर गए। मनोज और अतुला ने भी दम तोड़ दिया। कुछ देर में ही यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई, हाहाकार मच गया। उस शहर में और भी 4-5 लोग थे। सरिता जी और बच्चों के करुण गुरंद से पूरा वातावरण दिल दहला देने वाला था। सभी रिश्तेदार संबंधियों को सूचित कर दिया गया, सभी पहुंच गए थे। उस हृदय विचारक
दृश्य को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। 13वें के बाद जब सभी रिश्तेदार चले गए, तब असीम और स्वाति और सविता जी विचार करने बैठ गए। आगे यह किया, नियत ने उसके साथ जो क्रूर खेला है उसके उभर नहीं जा सकता। असीम का मानना था कि वह तो अपनी अच्छी नौकरी छोड़ नहीं सकता, फिर यही विकल्प रहता है कि सविता जी उन दोनों बच्चों के साथ रहे। यह सब इतना आसान तो नहीं था, लेकिन सविता जी समझ सकती थी। आसिम ने सोचा था कि वह अकेली इस उम्र में दोनों बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। बच्चों की परवरिश आसान थोड़ी है, वह भी उनकी जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। असीम और स्वाति के साथ रहने में भी बच्चों को अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जीनी होगी। नया शहर, नया स्कूल, नए साथी, सब कुछ नया। वह सविता जी को भी यह शहर नए माहौल में सेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन और कोई चारा नहीं था। आखिरकार उन्होंने एक निश्चय किया, आसिम ने अब नया फ्लैट देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उस फ्लैट में भी दोनों बेडरूम थे। माँ जी के लिए एक कमरा तथा बच्चों के लिए एक कमरा अलग से। इधर सविता जी ने भी जरूरी सामान पैक करना शुरू कर दिया। निश्चय किया कि सारे घर का सामान एक कमरे में शिफ्ट करके बाकी एक घर किराए पर चढ़ा देते हैं। भविष्य फिर में जैसा होगा देखा जाएगा। असीम स्वाति का यह नया घर जब व्यवस्थित हो गया तो सविता जी और बच्चे भी वहां आ गए। बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन करा दिया गया, यहाँ असीम की बेटी पढ़ती थी। धीरे धीरे जीवन अपने ढंग से चलने लगा। सविता जी ने दोनों बच्चों को संभालने के साथ साथ असीम की बेटी की जिम्मेदारी भी ले ली। वहीं असीम और स्वाति पर अब दो परिवार का खर्चा और जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले स्वाति ने सारे दिन के लिए मेड रख ली थी, क्योंकि उसकी बेटी बहुत ही छोटी थी, दोनों भी घर के नहीं होते थे। अब सविता जी ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तीनों बच्चों को संभाल कर वह उन सब का ख्याल रखती और छोटे मोटे काम भी कर लेती, इसलिए अब मेड की ज़रूरत भी नहीं थी। स्वाति को भी कुछ राहत महसूस होने लगी। तीन बच्चों का आपस में अच्छा प्यार था, क्योंकि असीम और स्वाति आते जाते रहते थे तथा बच्चे भी मिलजुल कर रहते थे। सविता जी के दिए हुए संस्कार का भी पूरे परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मिलजुल कर प्रेम से और जिम्मेदारियों के साथ रहते हुए अपना फर्ज निभा रही थी। अक्सर यह देखा जाता है कि अपना बच्चा होने पर एक माँ दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी देखभाल पक्षपात रहित तरीके से नहीं कर पाती, ना ही उसे उतना प्यार देती है। लेकिन स्वाति के अच्छे संस्कार, सविता जी का अनुशासन, मार्गदर्शन और व्यवहार का नतीजा था कि स्वाति जेठानी के बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी थी। उन्हें अपने बेटी के तरह ही पालने लगी थी, उतना ही प्यार करती, उतना ही स्नेह देती। उस दिन मनोज के बेटे ओम को बुखार आ गया था। रात के वक्त बुखार बढ़ गया था। स्वाति ने डॉक्टर को दिखाया, दवा दी और सविता जी से बोली कि वह बहुत ही थक गई है, सोने जा रही है, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे आप अवश्य उठा देना। सविता जी पोते के पास सो गई। रात को अगर कुछ ही तकलीफ हो तो उसे देख सके। देर रात को उनके नींद खुली तो उन्होंने ओम को देखा, उसे बहुत बुखार था। उन्हें बहू को उठाना ठीक नहीं लगा, उसने उसे दवा दी और साथ ही ठंडे पानी से पट्टियाँ भी करने लगी। कुछ देर बाद बुखार कम हो गया और बस वह सो गया। सवेरे वह स्वाति से बोला, चाची रात को मुझे सपना आया, मम्मी आई, मुझे बोली अब चाची चाचा तुम्हारे मम्मी पापा हैं, वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और अब तुम्हें बहुत ही अच्छे से संभालेंगे, तुम उनका कहना मानना, उन्हें तंग नहीं करना। चाची हम सचमुच में आपके बच्चे हैं ना, तो क्या मैं आपको मम्मी कह सकता हूँ? ओम की बात सुनकर स्वाति की आंखें डगमगा आई। उसने आगे बढ़ के ओम को अपने गले से लगा लिया और चूम कर बोली, हाँ बेटा तुम मुझे मम्मी कह सकते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह दृश्य देखकर सविता जी अपने आंसू रोक न पाई। तभी ओम की छोटी बहन भी धीरे धीरे वहाँ आ गई और स्वाति के गले में बाहें डालकर बोली, चाची क्या मैं भी आपको मम्मी बोल सकती हूँ? स्वाति उसे प्यार से पुकारते हुए बोली, हाँ बेटा मैं तुम तीनों की मम्मी हूँ, तुम सभी हमारे बच्चे हो, हम सब मिलकर हमेशा साथ रहेंगे, कोई भी तकलीफ परेशानी हो तो मुझे बताना। दूर खड़ी सविता जी बेहद भावुक हो गई, अपने भर आए आंसुओं को पोंछते हुए राहत की सांस ली और उनकी छोटी बहू स्वाति और जेठ जेठानी के दोनों बच्चों को दिल से अपना लिया।